सैंडविचेस वेरी टेस्टी, साथ कड़क चाय, मज़ा दुबाला हो जाए। आए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद बिया। आज हम अपने किचन में एक नए तरीके के सैंडविचेस बनाएंगे, ऑमलेट सैंडविचेस। अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। आए हम देखते हैं हमें इन सैंडविचेस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ब्रेड, शामी ऑयल और 2 अंडे और चीज़ और थोड़ी सी केचप। बड़े झटपट में तैयार हो जाते हैं, आप भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले हम अंडे लेंगे और यहाँ पर हमने थोड़े से स्पाइसेस लिए हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च, 2 पिंच काली मिर्च है और 1 पिंच या 2 पिंच नमक। बहुत कम स्पाइसेस चाहिए, बिल्कुल नाश्ते में बहुत अच्छे लगेंगे। ये हमने अंडों में डाल दिए और इसको अच्छी तरह फोक की मदद से इनको बीट कर लिया। अच्छी तरह इनको बीट कर लें, इनको अच्छी तरह। और यहाँ पर हमने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको, तवे को अच्छी तरह ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेना। अच्छी तरह इसको ग्रीस करके फिर मैं इसके ऊपर ऑमलेट डालूँगी। इसको अच्छी तरह ग्रीस कर ले, ग्रीस करके इसको ऑमलेट हमने डाल लिया। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बच्चों के मनपसंद बनेगा। इसको ऑमलेट को हमने डाल लिया, ऑमलेट को ऐसे फैला लें। ऑमलेट को स्पैचुले की मदद से थोड़ा थोड़ा आप फैला लें इसको, ऐसे इस तरह, इसकी मदद से, स्पैचुला की मदद से इसको फैला के। अब हम इसके ऊपर स्लाइसेस रख देंगे, ऐसे करके इसके ऊपर स्लाइसेस रख देंगे, ऐसे 2 स्लाइसेस लेके इसको अच्छी तरह हम दबा देंगे, अच्छी तरह दबा के। और ये हल्के से, हल्का हल्का इनको अंडा लग जाए, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अब हमारा अंडा कुक हो चुका है, अब हम इसको एक साइड पे शामी लगाएंगे। शामी लगा सकते हैं आप, घर में बचा हुआ कोई सा सालन हो वो लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ऐसे इसको लगा के इसके ऊपर आप केचप लगाएं, इसके नीचे पहले इधर भी लगा लेते हैं हम केचप और इसके ऊपर भी लगा लेते हैं केचप। अच्छे से इसके ऊपर लगा के, हाँ अच्छी तरह इसको केचप लगाएं। केचप लगा के फिर हम इसके ऊपर चीज़ के स्लाइस लगाएंगे। जल्दी कर, अब इसको चीज़ का पीस रख दें या ग्रेट कर दें, अगर आपके पास दूसरी चीज़ है। इसको ग्रेट करके इसके ऊपर, इसको उसकी स्पैचुला की मदद से इसको इसके ऊपर ऊपर कर दें, ऐसे करके ठहरें। इसको हम स्पैचुला की मदद से पहले इस वाले ब्रेड को ऐसे करेंगे और बाद में ये ऐसे कर देंगे। इसको ऐसे बिल्कुल बंद करके हम इसके ऊपर बनाएंगे, ऐसे करेंगे। इसको अच्छे से नीट करके हम कवर कर लेंगे। इसको अच्छे से बंद करके ये ऐसे इसको बंद कर लेंगे। इसको अच्छे से बंद करके बहुत ही, और इसके फ्लेम के अंदर ही ये चीज़ हो जाएगी, बहुत टेस्टी बनते हैं। देखें ये अच्छी तरह कुक हो गए, हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के इसको कटिंग करते हैं। इसको ब्रेकफास्ट में बच्चों को बना के दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, वेरी टेस्टी। देखिए कितने सॉफ्टली कटिंग हो रही है, और ये देखिए यमी, बीच में से चीज़ का टेस्ट बहुत यमी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं और
ब्रेकफास्ट में अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, और इसके साथ ब्रेकफास्ट में कड़क चाय का साथ मज़ा दुबाला हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप भी बना के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ पिक्चर शेयर करें, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।